हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन स्टार्ट होने चल रहा है वो क्या है, अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड क्या है प्रोपोर्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद शानदार तरीके से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अनुपात के बारे में बात करेंगे। जैसे ए अपान बी, फ्रेंड्स ये क्या है, एक प्रकार का अनुपात है। ए अपान बी क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का अनुपात है। और ये ए अपान बी जो होता है, ये फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, सेम टाइप की चीजें होती हैं, इस बात का ध्यान देना। यानी जो रेशियो ए अपान बी है, इसी को अनुपात कहा जाता है यानी रेशियो कहा जाता है। ये दोनों सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो जैसे फ्रेंड्स, मैं सेम टाइप की चीजों की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ग्राम और किलोग्राम, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ध्यान देना, तो फ्रेंड्स इन दोनों में हम रेशियो नहीं बता सकते जब तक कि इन दोनों का क्या हो, यानी ये दोनों क्या हो, सेम टाइप की चीजें ना हो, इस बात का ध्यान देना। जैसे मीटर सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स जब तक दोनों सेम नहीं होगा, जैसे मैं बात करूं मीटर और सेंटीमीटर की, तो फ्रेंड्स जब तक दोनों सेम टाइप की चीजें नहीं होंगी तब तक हम रेशियो नहीं बता सकते, क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह दूं कि मान लीजिए 10 महिलाएं हैं, क्या है 10 यानी क्या है फ्रेंड्स, महिलाएं, महिलाएं मतलब फीमेल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास क्या है, 15 पुरुष हैं, यानी क्या है 15 क्या है मेल है। तो क्या फ्रेंड्स इन दोनों का रेशियो आप बता सकते हैं, इनका रेशियो आप कदापि नहीं बता सकते जब तक कि दोनों क्या हो, सेम टाइप की चीजें ना हो। फ्रेंड जो हम रेशियो बताते हैं वो नंबर का बताते हैं, क्योंकि दोनों में नंबर दिया रहता है तभी हम रेशियो बता सकते हैं, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये चीज आप समझ गए होंगे कि यानी जो रेशियो होता है वो निकलता है वो सेम टाइप की चीजों में निकलता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि फ्रेंड जैसे ए अपान क्या है, बी है, ए अपान बी है, अगर हम सेम ही संख्या से गुणा करें, सेम ही संख्या से गुणा करें, तो फ्रेंड्स रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान देना। तो ये ए एक्स और बी एक्स हो जाएगा, फिर इसको कट करेंगे तो फिर यही हमें मिल जाएगा, क्लियर है। और मैं तीसरी बात करूं तो फ्रेंड्स रेशियो की, तो इस बात का ध्यान देना, जैसे ए अपान क्या है, बी रेशियो है, अगर हम सेम ही संख्या से भाग करें, ए अपान एक्स बी अपान एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो भी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ए अपान बी ही आ जाएगा। यानी क्या है कि फ्रेंड्स सेम ही संख्या से गुणा और भाग करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हम अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं वो डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, ए और बी का जो अनुपात है फ्रेंड्स वो कितना दिया गया है, 2:3 यहाँ पे दिया गया है। और बी और सी, फ्रेंड्स बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 5:6 दिया गया है। तो आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा गया है, किसका रेशियो पूछा गया है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे बी है वो 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है ये आप सोचा करिए। तो इसका मतलब दोनों एक ही चीजें हैं, तो यानी सेम होनी चाहिए, तो सेम इसको कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए फ्रेंड जो यहाँ पे नीचे संख्या रहा करे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करिए, और जो यहाँ ऊपर संख्या रहा करे फ्रेंड्स वो नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, यानी ए कितना आ गया फ्रेंड्स, 10 आ गया। और बी देखिए 5 × 3 = 15 यहाँ भी आ जाएगा, और 5 × 3 = 15 यहाँ भी आ जाएगा। तो बी कितना आ गया फ्रेंड्स, 15 आ गया। और सी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3×6 = 18, यही है। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10:15:18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी है, क्लियर है फ्रेंड्स। इसको हम लोग सेकंड तरीके से समझते हैं कि यानी सेकंड तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, मैं आपको शानदार तरीके से ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, आपको कुछ मत किया करिए फ्रेंड, जैसे ही पेपर में आए ए बी सी का ऐसे ही रेशियो लिख लिया करिए। ए बी कितना दिया है, 2:3, यही दिया है, जो जिसके नीचे दिया रहा करे फ्रेंड्स लिख लिया करिए। बी और सी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है फ्रेंड्स, 5:6 दिया है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स जो बीच में संख्या रहा करे दाहिने साइड, उसको दाहिने तरफ बढ़ाया करिए, यानी जो स्पेस खाली रहे जिधर उधर बढ़ाया करिए। यहाँ पे 5 है तो फ्रेंड्स इधर खाली है तो इधर 5 बढ़ा दिया करिए, बस यही इतना करना है। देखिए 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो गया, 15, और 3×6 कितना हो गया, 18, यानी 10:15:18 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो बहुत ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 4:5 दिया है, यही दिया गया है। और बी और सी का जो रेशियो दिया गया है, बी और सी का रेशियो 5:5 कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। सी और डी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 6:7 दिया है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ए अनुपाते सी पूछा है, क्या पूछा है, ए अनुपाते सी पूछा है, तो आप कुछ मत करिए। देखिए कैसे कर सकते हैं आप, डायरेक्ट निकालिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मुझसे क्या पूछा है, ए अनुपाते सी पूछा है, तो मुझे इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर में इस लाइन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ए अपान बी इंटू क्या कर देंगे, बी अपान सी, तो इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, 4:5 और इनटू क्या हो जाएगा, 5:6। 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो फ्रेंड्स ए रेशियो सी आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, 2:3। यानी अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो आपको इसी तरीके से डायरेक्ट करना है, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। लेकिन मैं एक बहुत कमाल की बात आपको सिखाने वाला हूँ कि मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ से आपसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पूछ ले, तब आप कैसे करेंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर आपसे पूछ ले ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना दिया है आपसे, 4:5 दिया है। बी और सी का रेशियो कितना दिया है, 5:5 कितना दिया है, 6 दिया है। और सी अनुपाते डी आपको कितना दिया है, 6:7 दिया है, यही दिया है। तो फ्रेंड्स हमने कहा जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, यही मैंने अभी बढ़ाया बताया आपको, इधर जो संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो इधर संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ा लिया करिए फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ कट रहा है, 6 6 6 हर जगह है, अगर सेम हर जगह रहेगा तो कट जाएगा, वैसे 5 5 5 5 यहाँ भी कट गया। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, अगर सेम रहेगा तो कटेंगे, काट लेंगे फ्रेंड्स, अगर सबसे सब में नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, इस बात का भी ध्यान देना है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4:5 5:6 7। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा होता ए बी सी डी का रेशियो तो कितना आंसर आ जाता, 4:5 5:6 7। अब यहाँ देखिए ए और सी का रेशियो पूछा है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 4:5 कितना आ गया, 6, 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो भी कितना आ गया, 2:3। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो फ्रेंड ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मुझे समय भी बचाना है, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल 3:4, बी रेशियो सी इज इक्वल 5:7 दिया है, सी रेशियो डी इज इक्वल कितना दिया है, 8:9, तब ए रेशियो डी किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कहा कुछ मत करिए, डायरेक्ट निकालिए, ए अपान बी इंटू क्या कर देंगे, बी अपान सी इंटू क्या कर देंगे, सी अपान डी, यही करना है। इज इक्वल कितना है, 3:4 इंटू क्या कर देंगे, 5:7 इंटू क्या कर देंगे, 8:9, यही है। ए रेशियो डी पूछा है तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहां से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 × 3 = 9 कैंसिल हो रहा है, 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्लियर है। तो चलिए आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है कि इफ 2a इज इक्वल 3b इज इक्वल 4c देन द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c, यही है। तो अब वो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2a बराबर कितना दिया है, 3b बराबर कितना दिया है, 4c, तब आपसे क्या पूछा गया है, a रेशियो b रेशियो c का मान आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो इसको फ्रेंड्स k के बराबर मान लिया करिए, k के बराबर, तो यानी यहाँ से जो a बराबर कितना हो जाएगा वो k/2 हो जाएगा, बहुत काम की चीज मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, k/3 हो जाएगा, इससे कंपेरिजन करते चले जाएंगे, और c बराबर कितना हो जाएगा, k/4, यही है। तो अब देखिए ए बी सी का जो रेशियो पूछा गया है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, k/2, रेशियो कितना हो जाएगा, k/3, रेशियो कितना हो जाएगा, k/4। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 से गुणा कर देंगे, 2 × 12 कितना हो जाएगा, 6k, रेशियो कितना हो जाएगा, 3 × 12 = 4k, उसके बाद फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 × 3 = 12 3k,
यही है। तो देखिए के से तो के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 6:4:3, एबीसी का रेशियो हो गया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा सा था मैंने आपको बेसिक से बताया। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है, सेकंड तरीका मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि यानी सेकंड तरीका से क्या कैसे करेंगे। मैं आपको सिखाने वाला हूँ पर्दा कॉन्सेप्ट। क्या सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्दा कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से कैसे करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर्दा कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले वाले को ढकिए, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यानी 2a इज इक्वल क्या है 3b और इज इक्वल क्या है 4c। तो फ्रेंड्स पहले वाले को इसको ढक देंगे, इसको भूल जाइए। दूसरे तीसरे को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12, कितना हो जाएगा 4 3 12। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम लोग बात करते हैं, फिर दूसरे वाले को आप ढकिए, दूसरे वाले को ढकिए यानी थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से कितना कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए आपको कुछ करने की फ्रेंड्स जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वाले को ढकेंगे तो 4 3 12, हाँ सही चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, फिर दूसरे वाले को ढकेंगे 4 2 8। फ्रेंड्स तीसरे वाले को ढकेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 2 से काटिए 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, कितना हो गया 6:4:3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए डायरेक्ट आ गया कि नहीं, हमने क्या कहा पहले वाले को ढकिए, इन दोनों को गुणा करेंगे, सेकंड और थर्ड को 4 3 12, सेकंड को ढकिए, थर्ड और फर्स्ट को करेंगे 4 2 8, फिर थर्ड वाले को ढकिए, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 6, और कैलकुलेट कर देंगे कितना आ गया 6:4:3। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स आई होप कि समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है 2:3 है, बी और सी का रेशियो 4:5 है, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी का मान क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए और बी और सी का सबसे पहले रेशियो निकालिए, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है। ए बी का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है, बी और सी का कितना है 4:5 है। तो देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे रहा करे इधर बढ़ाया करिए, यही बताया गया, जो यहाँ पे रहा करे यहाँ बढ़ाया करिए, कितना हो जाएगा 4 2 8, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 3 12 और 3 5 15। अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ से, ए रेशियो और क्या पूछा गया है बी रेशियो ए सी, यही आपसे पूछा गया है। तो ए का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 64, बी का मान 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144, ए सी कर देंगे यानी 15 8 120 हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, 8 से इसको काटिए 8 8 64, इसको 8 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8 9 8, 8 8 64 यानी 18 8 144, यही होता है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद फ्रेंड्स इसको 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 15 8 120 यानी 8:18:15। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल दिया है 4:7:9, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 30, देन फाइंड सी का मान क्या होगा। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया है, तो सी का वैल्यू पूछा गया, तो आप कुछ मत करिए, इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए 2 बार ए है, उसके बाद देखिए 2 बार बी है और 2 बार क्या है सी है, इनको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 7 4 11 9 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल फ्रेंड्स कितना आ गया 20 आ गया, इसको 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपका 2 से काटेंगे 2a + b + c बराबर कितना दिया है यहाँ पे 20 दिया गया है। अब उसके बाद 20 दिया है तो यानी 2 से काटा गया 10, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है 30, यानी इसका मतलब ये 10 रेशियो है, 10 रेशियो का मतलब 30, 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 का मान 3।
तो इसका मतलब एक का मान अगर तीन आ गया तो यहाँ पे तीन रख देंगे तो चार तिहाई कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान रेशियो चार है। ए प्लस बी का जो रेशियो दिया गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया है, चार, तो इसका मतलब तीन से गुणा कर देंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, फोर इंटू थ्री कर देंगे कितना हो जाएगा, बारह आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से बारह आ जाएगा तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी बराबर बारह आ गया यहाँ पे रख देंगे। तो ए प्लस बी बराबर बारह, बारह धन सी बराबर कितना है तीस, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तीस माइनस का बारह कर देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, अठारह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो बी प्लस सी ब्रेकेट में इज इक्वल कितना दिया गया है, वन रेशियो टू। देखिए फ्रेंड्स समानुपात का चिन्ह है, इसका मतलब समानुपात का मतलब होता है इक्वल, कहीं भी अगर आपको समानुपात का चिन्ह दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। इसका डिस्कशन हम आपको सेकंड पार्ट में करेंगे, क्लियर है कि, यानी सेकंड चीज में हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। तो अब यहाँ देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या दिया है, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल कितना दिया है, वन रेशियो का टू दिया है। उसके बाद देखिए सी रेशियो क्या दिया है, ए प्लस बी, सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल आप लोगों को कितना दिया है, सात अनुपात ग्यारह। तो आप सभी लोगों से क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है बी रेशियो ए प्लस सी का मान क्या होगा। तो एक चीज गौर करिए फ्रेंड्स, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों जगह है तो तीनों जगह सम बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको इसका सम कितना है तीन, यहाँ पे कितना है अठारह, तो इसका मतलब ये भी अठारह होना चाहिए, ये भी अठारह होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहाँ इसको अठारह बनाने के लिए छह से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ छह कन्नम छह और कितना हो जाएगा, छह दूनी बारह। तो फ्रेंड्स ए का मान देखिए यहाँ पे कितना आ गया, सिक्स आ गया, ए का मान कितना आ गया यहाँ पे, सिक्स आ गया। और सी का मान फ्रेंड्स यहाँ पे कितना दिया है, सात, सी का मान कितना आ गया, सात, तो इसका मतलब ये भी अठारह होना चाहिए, इसको भी मिला के टोटल कितना होना चाहिए, अठारह। तो इसका मतलब ये सात छह तेरह हो गया, तो कितना बचा है फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे सर पांच बचा है, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा कितना हो जाएगा, पांच अनुपाते तेरह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल तीन अनुपाते पांच है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो। देखिए एक्स में से अगर मैं वाई को यहाँ घटा रहा हूँ तो माइनस दो आ रहा है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे यानी तीन में से पांच जाएगा माइनस दो आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, थ्री और फाइव को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, एट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी दोनों को कुछ नहीं करना है, आपस में ऐड कर देना है बस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ फाइव ए माइनस थ्री बी रेशियो फोर ए माइनस टू बी इज इक्वल टू रेशियो थ्री, देन कह रहा है ए रेशियो बी किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया, तो बहुत ध्यान समझिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है फाइव ए माइनस का थ्री बी अपान क्या है फ्रेंड्स, फोर ए माइनस का टू बी इज इक्वल दिया गया है टू रेशियो थ्री। तो कह रहा है ए रेशियो बी किसके बराबर होगा, यानी ए और बी का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री का मल्टीप्लाई इधर और टू का इधर कर देंगे, थ्री से करेंगे कितना बार जाएगा, तीन से करेंगे, तीन पचे पंद्रह ए, फिफ्टीन ए हो जाएगा, माइनस का तीन त्रिक का नाइन बी हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल दो से करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, टू फोर जा एट ए, माइनस का कितना हो जाएगा, फोर बी, यही हो जाएगा। ए को ए की तरफ करिए, बी को बी की तरफ, पंद्रह में से आठ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, पंद्रह में से आठ गया सात ही, आठ सात पंद्रह होता है इज इक्वल, ये प्लस का नाइन बी हो जाएगा, नौ में से चार जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, फाइव बी। अब यहाँ पे देखा करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जिसके सामने की वैल्यू होती है वही हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो ए का मान फाइव हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। क्लियर है, तो यानी ए और जो बी का रेशियो है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ए का मान कितना हो जाएगा, फाइव, और बी का कितना हो जाएगा, सेवन, फाइव रेशियो सेवन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे।
हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल 3:1 देन कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब और रेशियो आप लोगों को क्या बताना है कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत है, एक्स का मान 3 है, 3 का क्यूब कर देंगे 3 × 3 = 9 × 3 = 27 यही हो जाएगा। एक्स बराबर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27 माइनस का 1 हो जाएगा, रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 27 में से 1 गया 26 और ये कितना हो जाएगा 28, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 13:14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल 1/3y एंड y इज इक्वल 1/2z देन x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल आपको क्या दिया है 1/3y यही है, तो y इधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल 1/3, 1:3 दिया है। ऐसे ही आपको y इज इक्वल क्या दिया है 1/2z यही दिया, जेड इधर चलाएगा तो वाई अपान जेड इज इक्वल कितना आ गया 1/2। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आप लोगों से पूछा गया है, तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स रेशियो वाई कितना आ गया 1:3, हमने कहा है जो रेशियो जहां दिया रहे वैसे कर दिया करिए, वाई और जेड का रेशियो कितना दिया है 1:2 दिया गया है, यही दिया है। जो बीच में संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1, रेशियो कितना हो जाएगा 3, रेशियो कितना हो जाएगा 6, 1 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 1 × 3 = 6 ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है, ए रेशियो बी इज इक्वल कह रहा है बी रेशियो सी है, तब आप लोगों को बताना है कि a की पावर 4, क्या बताना है फ्रेंड्स, a की पावर 4 अपान क्या बताना है b की पावर 4 का रेशियो, यही बताना है। क्लियर है, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है कि a रेशियो b इज इक्वल b रेशियो c दिया है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही हुआ, इसको मैं पूरा विस्तार से बता दे रहा हूँ। तो a अपान b इज इक्वल कितना हो जाएगा b अपान c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर ac। तो जब कभी समानुपात में दिया रहा करे तो फ्रेंड देखिए बीच बीच का गुणा हुआ किनारे किनारे का कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही तो आया। तो आपको पेपर में डायरेक्ट करना है बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, यानी इस लाइन के बाद इस लाइन को आपको डायरेक्ट लिखना है। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आया है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपसे पूछा क्या गया है, अब यहाँ पे ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। तो बी स्क्वायर का मान ए सी आया है, तो इसको फ्रेंड्स ए स्क्वायर, ए की पावर 4 को मैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए b की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मान ac आया है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ac इंटू क्या हो जाएगा ac, तो इस a से इस a स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर रेशियो कितना आ गया c स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, c ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल 7:6:5 है एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, कह रहा है देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, क्या पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, तो इसका मतलब रिवर्स पूछा गया है। तो अब आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार a है 2 बार b है 2 बार c है, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 2 a + b + कितना हो जाएगा c इज इक्वल कितना हो जाएगा 7 × 6 = 13 = 5 = 18, तो फ्रेंड्स 2 से काट देंगे a + b + c बराबर कितना आ जाएगा 2 × 9 = 18। क्लियर है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिखाने वाला हूँ कि पेपर में आएगा तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। क्लियर है, बहुत सारे बच्चे पूरा बेसिक से यहाँ पे रखेंगे तब आएगा, इस तरीके से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर ए बी सी बराबर 27 रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा वहां से टफ हो जाएगा, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत आसानी से आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 9,
यहाँ ए प्लस बी बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है, 7। ध्यान देना, ए प्लस बी बराबर यहाँ पे 7 दिया है, तो इसका मतलब 9 में से मैं 7 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, सी का मान 2 आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 6। 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 आएगा, वो 3 किसका मान आ जाएगा, ए का मान आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यानी क्या है, बी प्लस यानी सी प्लस ए बराबर कितना है, 5। 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, 4। अगर आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा होता तो 3:4:2 आंसर हो जाता, लेकिन 1:A:1:B:1:C पूछा है तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स, पर्दा कॉन्सेप्ट लगाइए, पहले वाले को ढंग देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। फ्रेंड्स फिर दूसरे वाले को ढकेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। फ्रेंड्स तीसरे वाले को ढंग देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 कितना आ गया फ्रेंड, 4:3:6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंसेस इज 4, द रेशियो ऑफ द नंबर इज, यानी कह रहा दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। तो दो संख्या हमने मान लिया कि फ्रेंड्स x और क्या है y, इन्हीं का रेशियो बताना है, इन्हीं का रेशियो आपसे पूछा गया है। इनका जो सम है कह रहा है x plus y is equal कितना दिया है, 40 दिया है, और इनका डिफरेंस x minus y बराबर कितना दिया है, 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 44। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 22। x का मान कितना आ गया, 22। y बराबर रख देंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, x का मान 22 आ गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 40 है, x का मान 22 आ गया, तो 22 × y बराबर फ्रेंड्स कितना है, 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस का 22 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, 18। 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 2 से काटेंगे, 11:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है, दूसरा तरीका ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन, अगर मैं 21 और 19 के बीच का डिफरेंस देखूं, इनको जोड़ने पे तो 40 आ रहा है, लेकिन इनके बीच का अंतर 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं ऑप्शन से बता रहा हूं, ये ऑप्शन ये भी बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। यहां पे अगर हम बात करें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते तो देखते ही कर लेते। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का दुगना, अगर ए का क्या कह रहा है, दुगना कह रहा है, बी के 3 गुने, बी के क्या कह रहा है, 3 गुने, और सी के जो है कह रहा है 4 गुने के बराबर है, तो ए बी सी का रेशियो आप लोगों से पूछा गया। तो फ्रेंड्स वही फिर क्वेश्चन आ गया, पर्दा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। हमने कहा पहले वाले को ढकिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। फिर हमने कहा है इस वाले को सेकेंड वाले को ढकेंगे, इसका इसका करेंगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। फ्रेंड्स थर्ड वाले को ढकेंगे, इन दोनों को करेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 कितना आ गया, 6:4:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर इज 8:1, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर इज, एक स्कूल में लड़के और लड़कियां यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 4:3, लड़कियों और अध्यापकों यानी गर्ल्स और जो टीचर हैं इनका रेशियो दिया है 8:1। तो आपसे छात्र और अध्यापक का रेशियो पूछा गया, तो हमने कहा जो बीच में रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे रहा करे इधर बढ़ाया करिए। 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32, 8 × 3 = 24 और 3 × 9 = 3। आपसे किसका पूछा है, छात्रों और अध्यापक का, तो टोटल छात्र कितना हो जाएंगे, 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 6 = 3 × 2 = 5।
56:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ए की आय 20 से 10% अधिक है और बी की आय कह रहा है सी से 20% कम है, तो ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है ए बी और सी। ए की आय कह रहा है 20 से 10% अधिक है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर इसको मैं 100 मान लूं तो इसको कितना मान लेते हैं 110, क्योंकि 10% अधिक है। फ्रेंड्स परसेंटेज केस में हमेशा आपको 100% मानना है, कोई भी बच्चा यक्ष नहीं मानेगा, इस बात का ध्यान देना। तो चाहे देखिए फ्रेंड्स चाहे जिंदगी हो और चाहे मैथ, दोनों जगह यक्ष ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको यक्ष से जितना हो सके उतना दूर रहना है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 100 हो गया, ये कितना हो गया 110। आपसे फिर क्या कह रहा है कि बी की आय सी से 20% कम है, बी की आय सी से 20% कम है, यही कह रहा है। तो इसका मतलब ये 100 है तो ये 20% कम है, कितना है 80। अब देखिए एक जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको 20 से काट दीजिए, 20 × 5 = 120 = 80। हमने कहा जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 4 = 44, 10 × 4 = 40, 10 × 5 = 50। फ्रेंड्स 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22:20:25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 22, 20, 25, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को एक्स वाई जेड में बांटा गया है, यदि एक्स वाई से 25% अधिक है, वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का अनुपात ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है, सेम इसी टाइप का इसके पहले जो क्वेश्चन कराया गया वही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद से करना है। क्लियर है? कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप लोग डाउट में भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स तीन धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स जो गति का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 3:4:6। आपसे टाइम का रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ डिस्टेंस सेम है। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर डिस्टेंस सेम हो, आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया होगा, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का अपोजिट क्या होता है टाइम, यानी इसके क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी यहां से जो टाइम का रेशियो होगा, फिर पर्दा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, चार छ पहले वाले को ढकिए फ्रेंड, पहले वाले को ढकेंगे, तीन को जैसे ढक देंगे तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24, सेकेंड वाले को ढकेंगे, 4 को ढकेंगे तो 6 × 3 = 18 फ्रेंड्स, थर्ड वाले को ढकेंगे तो 3 × 4 = 12। तो फ्रेंड्स किससे कट जाएगा, 6 से कट रहा है, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, यानी आंसर आ गया 4:3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ द 3 नंबर्स इन द रेशियो 3:2:5 बी सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1862 देन व्हिच नंबर इज द मिडिल वन। कह रहा है यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं, उनके वर्गों का योग कह रहा है 1862 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अनुपात दिया है, इसको संख्या मान लीजिए 3x 2x और क्या मान लेते हैं 5x। इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 3×3 = 9x² प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 4x² और कितना हो जाएगा 25x², यही हो जाएगा इज इक्वल कितना दिया है 1862, यही दिया, इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 25×4 कितना हो जाएगा 29, 29 में फ्रेंड्स 10 जोड़ देंगे, 29×10 = 39, एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 38x², 38x² इज इक्वल कितना आ गया 1862। इसको 38 से काट दीजिए, 38 से यानी इसको और छोटा कर लेते हैं, पहले 2 से काट लीजिए 19 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2×9 = 18, 2×9 = 18 आ गया, 2×3 = 6, 2×1 = 2, 19 से काट दीजिए, 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 19×2 = 38, 19×3 = 57,
19 चौके 76 आ गया, तो 93 से फ्रेंड 76 घटाएंगे कितनी बार जाएगा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ कितना बच जाएगा 1, यही हो जाएगा 171, यानी कितनी बार जाएगा 9 बार, 19 9 171, एक्स स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो फ्रेंड्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7। बीच वाली संख्या पूछा गया है तो यानी 2 × 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 14 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग चीजों को दोबारा देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।